नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो प्रश्न के अगर कोई दोस्त 30 में 30 सही करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उनका नौकरी इस साल में तो नहीं अगला साल में निश्चित हो ही जाएगा, क्योंकि इसको प्रश्न इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो आइए हम स्टार्ट करें। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो उस ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथरिसिया कोलाई। एथरिसिया कोलाई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। इसका राइट आंसर होगा तपेदिक। अगला क्वेश्चन नंबर फोर। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। अगला क्वेश्चन नंबर पांच। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन नंबर छह। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा हैजा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए पेचिस, बी दम्बा, सी कुष्ठ, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा हाथ मिलाओ कुष्ठ मिटाओ, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोस की। अगला क्वेश्चन। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने विकास किया था, प्रश्न पूछ रहा है, फिर से सुनिए। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? क्वेश्चन एक बार फिर से। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 12। टीका रोग किसमें होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, टीका रोग किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन नंबर 13। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, हम लोग जानते हैं एड्स, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए, ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी आर्तशक, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली इसको ऑप्शन देकर आप लोग मार देंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सी आर्तशक, उसका ये भी नेम है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। क्वेश्चन नंबर 15।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर होगा विषाणु से, विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए विषाणु, बी जीवाणु, सी शैवाल और ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, विषाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सार्स क्या है? ऑप्शन दिया गया है, सार्स क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्स एक तरह के विषाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, इसका राइट आंसर होगा खसरा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। समझ आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? क्वेश्चन एक बार फिर से, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, इसका राइट आंसर होगा आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व विषाणु है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? क्वेश्चन पॉपुलर है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 23, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके लिए ऑप्शन है, आप पढ़ लो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन नंबर 24, केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवालों से, समुद्री शैवालों से। अगला क्वेश्चन नंबर 25, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसके लिए ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा शैवाल, ऑप्शन नंबर सी शैवाल होगा। करंट अफेयर्स की कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है, इसको भी आप देख लीजिए। आईसीसी ने हाल ही में किसे अंडर 90 विश्व कप 2018 के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऋषभ पंत, बी अलेक्स हेल्स, ऑप्शन नंबर सी कोडी एडर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी स्टीवन स्मिथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोडी एडर्सन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8 अक्टूबर 2017 को कौन सा भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मनाया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से, हाल ही में 8 अक्टूबर 2017 को कौन सा भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस मनाया गया है? इसके लिए ऑप्शन है, ए 75वां, बी 63वां, सी 68वां और ऑप्शन नंबर डी 85वां। तो इसका राइट आंसर होगा डी 85वां बार मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों इस वीडियो के प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं समझ आया तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट करते आ रहा है क्वेश्चन। वीडियो पर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको हमेशा काम आने वाला है। दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया? क्वेश्चन एक बार फिर से, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया? इसके लिए ऑप्शन है, ए एयरसेल, बी टाटा डोकोमो, सी जियो, डी एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा टाटा डोकोमो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मीट की नई दुकानों को लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया है?
क्वेश्चन एक बार फिर से, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मीट की नई दुकानों को लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा डी, हरियाणा सरकार ने। दोस्तों ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो लेते आएंगे, आजकल फेस्टिवल की टाइम चल रहा है सो थोड़ा कम मेहनत हो पा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा कुछ लेकर आएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।